प्रणाम। मैं अखिलेश खेमका, मैं कपड़े का कारोबारी हूं और मैं अपने व्यापार के साथ साथ कुछ समाज सेवा का भी जरूरतमंदों की सेवा करता रहता हूं। मेरा ये मन में क्वेश्चन था कि आज के दिन जो लॉकडाउन हो गया है, इस वजह से बहुत से हमारे साथी लोग अपनी जगह पे अटक गए हैं तथा जो हमारे गरीब वर्ग के लोग हैं, जो प्रतिदिन मेहनत करके कमाते हैं, मजदूर डेली बेसिस के स्टाफ, ये लोग के सामने एक मुश्किल आई हुई है। और अगर हमारे बनारस सहित हमारे वाराणसी से पूरे देश के जो इस गरीब वर्ग के लोग हैं, इन लोग पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, तो मैं आपसे एक ही निवेदन करता हूं कि हम लोग को मार्गदर्शन दें, हम लोग राष्ट्र के युवा और हम लोग जो समाज के लोग हैं, किस रूप में हम इन लोगों की मदद कर सकते हैं। काशी में बात होती हो और कपड़े वाले से बात न हो तो बात अधूरी रह जाती है। और अखिलेश जी, मुझे खुशी है कि आप व्यापारी हैं, लेकिन आपने सवाल गरीबों का पूछा, मैं बहुत आभारी हूं आपका। कोरोना को पराजित करने के लिए एक रणनीति के तहत एक्सपर्ट से मिले दिशा निर्देशों के मुताबिक ही ये कहा जा रहा है कि हर व्यक्ति दूसरे से कम एक डेढ़ मीटर की दूरी पर रहे। ये कोरोना के खिलाफ इस बड़ी लड़ाई की सैन्य नीति है, मैं इसको सैन्य नीति कहता हूं। साथियों, हम इस बात पर विश्वास करने वाले लोग हैं जो मानते हैं कि मनुष्य ईश्वर का ही अंश है, व्यक्ति मात्र में ईश्वर का वास है। यही हमारे संस्कार हैं, यही हमारी संस्कृति है। कोरोना वायरस न हमारी संस्कृति को मिटा सकता है और न ही हमारे संस्कार मिटा सकता है। और इसलिए संकट के समय हमारी संवेदनाएं और जागृत हो जाती है। कोरोना के जवाब देने का दूसरा एक ताकतवर तरीका है और वो तरीका है करुणा। कोरोना का जवाब करुणा से। हम गरीबों के प्रति, जरूरतमंदों के प्रति करुणा दिखाकर भी कोरोना को पराजित करने का एक कदम ये भी कर ले सकते हैं। हमारे समाज में, हमारी परंपरा में दूसरों की मदद के एक समृद्ध परिपाटी रही है। हमारे यहां तो कहा जाता है, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। अभी नवरात्र शुरू हुआ है, अगर हम अगले 21 दिन तक, और मैं मेरे काशी के भाइयों बहनों को कहना चाहूंगा कि जिनके पास ये करने की शक्ति है, देश में भी जिसके पास ये शक्ति है, मैं उनको यही कहूंगा, ये नवरात्रि का जब प्रारंभ हुआ है तब अगले 21 दिन तक प्रतिदिन 9 गरीब परिवारों की मदद करने का प्रण लें। 21 दिन तक 9 परिवारों को आप संभालें। मैं मानता हूं अगर इतना भी हम कर लें तो मां की इससे बड़ी आराधना क्या हो सकती है। ये सच्चा और पक्का नवरात्र हो जाएगा। इसके अलावा आपके आसपास जो पशु है उनकी भी चिंता करनी है। लॉकडाउन की वजह से अनेक पशुओं के सामने, जानवरों के सामने भी भोजन का संकट आ गया है। मेरी लोगों से प्रार्थना है कि अपने आसपास के पशुओं का भी ध्यान रखें। अखिलेश जी, अगर मैं कहूं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही है, तो मैं मानता हूं कि मैं
खुद को भी धोखा देने वाली बात कर रहा हूं। इस समय केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें, जितना ज्यादा हो सके, जितना अच्छा हो सके, इसके लिए भरसक प्रयास कर रही है। मुझे राज्य सरकारों पर पूरा भरोसा है कि वो अपने राज्य के प्रत्येक नागरिक की चिंताओं को समझते हुए पूरी संवेदनशीलता के साथ उनकी देखभाल करेगी। लेकिन साथियों, हम ये भी जानते हैं कि सामान्य परिस्थिति में, यानी कोई तकलीफ नहीं है, कोई आपदा नहीं है, मुसीबत नहीं है, सामान्य परिस्थिति में भी कभी बिजली चली जाती है, कभी पानी आना बंद हो जाता है, कभी भी उनमें मदद के लिए आने वाले हमारे जो कर्मचारी है वो अचानक लंबी छुट्टी ले लेते हैं। तमाम तरह की दिक्कतें बिना बताए, बिना किसी पूर्व सूचना के हमारे जीवन में आती रहती हैं। ये हम सब हिंदुस्तानियों का अनुभव है। ऐसे में, और वो तो मैं संकट के समय नहीं कहता हूं, सामान्य स्थिति में भी आती है, ऐसे में जब देश के सामने इतना बड़ा संकट हो, पूरे विश्व के सामने इतनी बड़ी चुनौती हो, तब मुश्किलें नहीं आएगी, सब कुछ अच्छे से होगा, ये कहना अपने साथ धोखा करने जैसा होगा। मैं मानता हूं कि ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि व्यवस्था ठीक है या नहीं, सब कुछ सही से हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन जरा पल भर सोचिए, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि कोरोना जैसे संकट में हमें तकलीफें सहकर भी विजयी होना है या नहीं होना है। जो तकलीफें आज हम उठा रहे हैं, जो मुश्किल आज हो रही है, उसकी उम्र फिलहाल 21 दिन ही है, लेकिन अगर कोरोना का संकट समाप्त नहीं हुआ, इसका फैलना नहीं रुका, तो फिर ये संकट, ये तकलीफें कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। ऐसे कठिन समय में प्रशासन के द्वारा, नागरिकों के द्वारा, सिविल सोसाइटी के द्वारा, सामाजिक संगठन, सांस्कृतिक संगठन, धार्मिक संगठन, राजनीतिक संगठन, सब कोई जो भी कार्य कर रहे हैं, सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं, उसे ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। आप सोचिए, अस्पतालों में लोग 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, कई जगह अस्पतालों में हेल्थ सेक्टर से जुड़े लोगों को 2 या 3 घंटे से ज्यादा सोने को नहीं मिल रहा है। कितने ही सिविल सोसाइटी के लोग हैं जो गरीबों की मदद के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। इस कठिन परिस्थिति में ऐसे लोगों को हमें नमन करना चाहिए। हां, हो सकता है कुछ जगहों पर कमियां हो, किसी ने लापरवाही की हो, लेकिन ऐसी घटनाओं को खोज खोज करके, उन्हीं पर ध्यान केंद्रित करके, उन्हीं को आधार बनाकर, उसी को प्रचारित करना, उस सेक्टर को बदनाम करना, उनको हताश कर देना, ये ऐसे समय में कभी लाभ नहीं करता है। मैं तो आग्रह करूंगा, हम समझे, निराशा फैलाने के लिए हजारों कारण हो सकते हैं, मैं नहीं कहता हूं सब गलत होते हैं, हजारों कारण हो सकते हैं, लेकिन जीवन तो आशा और विश्वास से ही चलता है। नागरिक के नाते कानून और प्रशासन को जितना ज्यादा सहयोग करेंगे, उतने ही बेहतर नतीजे निकलेंगे। हम सभी का प्रयास होना चाहिए कि प्रशासन पर कम से कम दबाव डालें,